आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसमें सेकंड क्वेश्चन ये था कि एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल का डायमीटर दे रखा था आपको 2, और मैंने मतलब डायमीटर 2 सॉरी डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितनी होगी? 2 2। फिर मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक पाथ कट किया है जिसका 1 विद है, विद कितना है 1। तो देखो मैंने आपसे पूछा था जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया बताओ, जब इसको कट कर दोगे तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया बताओ, तो कुछ नहीं था इसमें, इसको इसको मिला देते। देखो अगर ये 2 है, ये 1 है और ये 2 होगा क्योंकि रेडियस है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बनता, समझ में आ रही बात? अब कुछ नहीं था, इसका एरिया कितना होता? अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा, है ना? ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ये देखो सॉरी 30 डिग्री पैरेलल हो जाएंगे ना दोनों, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है, तो इसको मिला दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस मतलब 2 सेक्टर प्लस ट्राइंगल का एरिया अगर पूरे सर्कल में से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस सेक्टर का एरिया कितना होगा? थीटा बाई 2। तो 30 डिग्री को पाई में क्या लिखोगे? पाई बाई 12 इंटू थीटा बाई 2 आर स्क्वायर, फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को पाई बाई 12 पाई बाई 6 लिखोगे, तो 6 यहाँ जब रखोगे 6 2 12। लेकिन ऐसे कितने सेक्टर हैं? 2 सेक्टर हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा बीच वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? देखो ये तुम्हारा एंगल 30 है तो बचा हुआ 60 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, टोटल 120 हो गया। तो ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ ए बी साइन थीटा। देखो ये 2 है और ये भी 2 है, तो हाफ ए बी साइन थीटा, तो साइन 120। यहाँ से निकाल लेते आंसर आ जाता है 10π/3 √3, ठीक है? इजी क्वेश्चन था, अब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ओके थैंक यू। जो मैंने आपसे एक क्यूब वाला क्वेश्चन पूछा था जिसमें एक क्यूब था, ठीक है, ये क्यूब है, इस क्यूब के हमने एडजेसेंट फेस, ये वाला फेस ले लो, ये वाला फेस ले लो, एडजेसेंट समझते ना जो अगल बगल फेस है, तो इसमें से मैंने एक स्क्वायर काटा था, इसमें एक स्क्वायर काटा था, इसमें से एक स्क्वायर काटा था, तो मुझे बताना था कि टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा, ठीक है? तो तुम ध्यान से देखो, टोटल तो आपको पता है साइड 3 थी और मैंने 1 1 के काटे थे, तो टोटल सरफेस एरिया तो 6 × 3 स्क्वायर हो गया। इसमें से तुम ये वाले हटा दो क्योंकि ये तो कट चुके हैं। अच्छा अगर ये इधर से बनेगा तो सामने जाके भी तो बनेगा, इधर से एक कटेगा तो सामने भी तो कटेगा, ड्रिलिंग होगी तो ऐसे 6 × 1 स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये सॉल्व करो कितना आएगा? 48। लेकिन अब इसके बाद देखो हो क्या रहा है, जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ये 3 डिस्टेंस है, ये 1 है, तो ये बीच में तो खाली होगा क्योंकि ऊपर से भी आके कटेगा कुछ ना कुछ, तो ये 1 1, तो तुम्हारे पास एक 1 1 का क्यूब बन गया साइड में, ठीक है? तो ये जो साइड ना देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खाली है, तो तुम्हें 4 वॉल्स का एरिया ऐड करना पड़ेगा, जो ये 4 वॉल्स का एरिया है, ठीक है, इसको इमेजिन करो, ठीक है, 4 वॉल्स का एरिया तुमको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ 4, और ये टोटल 6 जगह पर होगा, इमेजिन करना, ठीक है, टोटल 6 जगह पे एरिया होगा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 72, ठीक है, थैंक यू। सर आखिरी क्वेश्चन पूछा था, उसमें एक क्यूब था, ठीक है, ये क्यूब है, ये क्यूब आपका स्फीयर के अंदर था, तो आप ध्यान से देखो जो इसका डायमीटर होगा वो क्यूब के स्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगा, क्यूब का डायगनल स्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगा। तो अगर मान लो ये रेडियस आर है, तो ये रेडियस आर है तो डायगनल कितना हुआ? 2r, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है ना ये √3l के इक्वल होगा, तो इसको तो देखो स्फीयर का डायमीटर डायगनल के इक्वल है, तो यहाँ से तुम्हारा l1 कितना आ गया? 2r1/√3। अब तुमने इसके अंदर एक और स्फीयर बनाया है, तो जो इसके अंदर स्फीयर होगा तो जो क्यूब की साइड होगी वो इसके डायमीटर के इक्वल होगी, तो जो तुम्हारा l1 है, ठीक है, वो होगा 2r2 के इक्वल, मतलब अंदर वाले स्फीयर का रेडियस मान लो r2, तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r2, तो वो बाहर वाले क्यूब के लेंथ के इक्वल होगा, तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो गए, तो r2 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r2 बराबर आ गया r1/√3। अब फिर वही प्रोसेस लगाओ, तुमने इसके अंदर एक और क्यूब बनाया है, इसके अंदर एक और क्यूब बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो r2 है मतलब 2r2 वो √3 l2 के बराबर होगा, वही कॉन्सेप्ट फिर से लगाओ, तो r2 की वैल्यू क्या है? 2r1/√3, तो यहाँ से l2 कितना आ गया? 2r1/3, √3 √3 3, तो ध्यान से देखो
तो तुम्हें निकालना क्या है, एल वन क्यूब अपॉन एल टू क्यूब, यही तो निकालना है, मतलब एल वन अपॉन एल टू का होल क्यूब। कैंसिल कर लो, आंसर आ जाएगा रूट थ्री रूट थ्री इज टू वन। थोड़ा इमेजिन करना मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन। कहता था कि ये ट्राइंगल था और स्क्वायर था, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था कि अगर स्क्वायर ट्राइंगल को कवर करेगा तो, मतलब आपको ये बताना था इसमें ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में उसने बताया था कि अगर स्क्वायर ट्राइंगल को कवर करेगा तो 60% एरिया कवर करेगा ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया मान लो एक्स, तो स्क्वायर ने ट्राइंगल का कितना एरिया कवर किया, 60%। फिर मैंने अगली लाइन में आपको बताया कि ट्राइंगल स्क्वायर का कितना कवर करेगा, दैट इज़ 2/3 ऑफ द स्क्वायर। ट्राइंगल स्क्वायर का 2/3। अब चाहे ट्राइंगल स्क्वायर का कवर करे या स्क्वायर ट्राइंगल का, दोनों एरिया बराबर होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। तो ये फंडा था, बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक लॉजिक लगाते आंसर आ जाता, ठीक है। थैंक यू। एक और क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उसमें ये था कि तीन कंसेंट्रिक सर्किल थे, जो मिडिल वाला सर्किल है वो एरिया बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये एरिया बराबर है। तो कुछ था नहीं, ये आपका सी था, ये आपका बी था और ये आपका ए था। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई ये रिंग बन रही ना बीच में, दोनों रिंग का एरिया बराबर कर देते तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ रखते थे आंसर आ जाता 7√2। इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तो सभी ने कर लिया होगा। ओके।